अस्सलाम वालेकुम। आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरी इंट्रोडक्शन है। आपको मैं इंट्रोडक्शन पहले दे सकता हूँ, दे चुका हूँ। मैं आई एम फसीसन फ्रॉम YT अकेडमी। जो ये कोर्स हम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर मेडिकल वालों का है, PG बुक बी बुक से। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले आपको थोड़ा सा पीछे से रिवीजन करवा दूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी थी बायोलॉजी की। टॉपिक्स हमारे पास थे लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज लाइफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन, ये सारा हमने डिटेल से पढ़ा था। लिटरल मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज लाइफ, ये हमने पिछली वीडियो में हमने आपको डिटेल से सारा बढ़ाया था। तो अब इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको मदद हुई होगी इससे बहुत। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन और आज जो टॉपिक हैं डिस्कशन के वो हैं नीड ऑफ ब्रांचिंग इट, कि हमें बायोलॉजी को डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, हमने क्यों बायोलॉजी को डिवाइड किया ब्रांचेज में। सेकंड वन मेजर ब्रांचेज, उसके हम मेजर ब्रांचेज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेज हैं, कितनी मेजर ब्रांचेज में बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। उसके बाद सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी मतलब, और जो इसकी छोटी ब्रांचेज हैं, मुख्तलिफ कई ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, वो स्टडी करेंगे। इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे, डेफिनेशन इनकी देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ डिवाइडिंग बायोलॉजी इनटू ब्रांचेज। तो फर्स्टली द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी वाज लिमिटेड एंड लिटल, के पहले बायोलॉजी का जो नॉलेज था अबाउट लिविंग थिंग, जो नॉलेज था वो बहुत थोड़ा था भाई। शुरू शुरू में आपको पता है कि इतने सोर्सेज नहीं होते थे, और शुरू शुरू में कम नॉलेज था। फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए और मुख्तलिफ नज़रियात पेश हुए, आस्ते आस्ते जो है साइंस ने प्रोग्रेस की है। पहले साइंस की टू ब्रांचेज होती थी ओनली, नेचुरल फिलोसफी और फिजिकल साइंस की होती थी। तो नेचुरल फिलोसफी में सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी होती थी और दूसरी में नॉन लिविंग थिंग्स की। फिर आस्ते आस्ते जब साइंस तरक्की करती गई तो फिर साइंस को मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जिनमें से एक बायोलॉजी भी थी। तो आस्ते आस्ते तरक्की होती गई, नए नए आइडियाज़ मिलते गए, नई नई इंफॉर्मेशंस मिलती गई, और ये एक ही बायोलॉजी के मेजर हेड में इकट्ठी होती रही। विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड टुडे वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेड। कि टाइम वक्त के साथ साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई और नई नई डिस्कवरीज होनी शुरू हो गई लिविंग थिंग्स के अबाउट, और बायोलॉजी की प्रोग्रेस होती गई और इंफॉर्मेशन और डाटा इंक्रीज होता गया। और आज हम जब देखते हैं तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा जिल्दें इंफॉर्मेशन की, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है अबाउट लिविंग थिंग्स, अबाउट बायोलॉजी, इस एक ही मेजर ब्रांच बायोलॉजी के अंदर बहुत सी बहुत वसी हमारे पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ गई है। तो अब किसी के लिए ये आसान नहीं है कि वो पूरी बायोलॉजी पढ़ ले या उसमें पूरी में स्पेशलाइज कर सके। तो आसानी के लिए और हम समझने के लिए आसानी से हम स्टडी कर सकें, उसके लिए हम बायोलॉजी को स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। सो For convenience of comprehending and studying biology, we divide it into so many branches. तो ये कह रहा है कि अपनी आसानी के लिए और बायोलॉजी को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए
हमने उसको स्मॉलर ब्रांचेस में कर दिया है ताकि हम एक उस ब्रांचेस को पढ़ के और स्पेशलाइज ब्रांचेस को पढ़ सकें और आसानी से पढ़ सकें। और ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी बायोलॉजी पूरी नॉलेज को में स्पेशलाइज कर सके और उसको पढ़ सके, तो इसलिए हमने बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड किया है ताकि हम इसी से इजीली हम इसको पढ़ सकें। आगे नेक्स्ट टॉपिक था मेजर ब्रांचेस। अब हम मेजर ब्रांचेस पढ़ेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी फर्स्ट ब्रांच, जूलॉजी उसको, फिर माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी। तो बायोलॉजी के मेजर ब्रांचेस हैं जूलॉजी, बॉटनी, ये आपने सुना होगा पहले, और माइक्रोबायोलॉजी भी है। तो पहले हम जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। आपने जू को तो सुना होगा, हम जू पे जा रहे हैं, जू में जा रहे हैं। तो जू असल वर्ड, जू का मतलब है एनिमल, जानदार। और लॉजी को लॉजी हम पहले पढ़ चुके हैं, लॉजी का मतलब है स्टडी। तो जू मीन एनिमल्स, लॉजी मीन स्टडी। तो द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो आपको ये समझ आ जाएगी, आ गई होगी कि एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स की हम स्टडी पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जहाँ पे हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे होंगे तो वो जूलॉजी ब्रांच में आएगा। आगे नेक्स्ट वन बॉटनी, बैटनी, ये सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए हैं, माजत खाऊँ मैं आप। तो बॉटनी जितनी भी प्लांट्स की स्टडी होगी उसको हम बॉटनी कहेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ये स्पेलिंग गलत हो गए हैं, बी ओ टी एन वाई बॉटनी होना था, चलो कोई बात नहीं। तो जहाँ भी हम प्लांट को जिस तरह से स्टडी करेंगे तो वो जो मेजर बायोलॉजिक ब्रांच होगी वो बॉटनी कहलाएगी। आगे माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप्स नजर आए, और बायोलॉजी मीन्स स्टडी, लाइफ स्टडी। स्मॉल लिविंग जो थिंग्स हैं उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। स्मॉल लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं बैक्टीरिया और मुख्तलिफ फंजा, एलजी और प्रोटिस्ट मुख्तलिफ आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इनकी तमाम की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। मेजर ये ब्रांचेस थी बायोलॉजी की। बायोलॉजी को मेजर थ्री ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी प्लांट को डील करती है, प्लांट की स्टडी को जूलॉजी कहा जाता है, सॉरी जूलॉजी एनिमल को डील करती है, एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहा जाता है। बॉटनी प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सब डिवीजन्स आगे हम इनके पढ़ेंगे जो ब्रांचेस हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू सो मैनी ब्रांचेस। बायोलॉजी को बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इकोलॉजी। तो इकोलॉजी, इको जो है वर्ड ओकियोस से निकला है, ग्रीक वर्ड। तो ओकियोस का मीनिंग है इन्वायरमेंट और होम। तो इकोसिस्टम भी आपने पढ़ा होगा। इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ व्हेन कम्युनिटीज आर इंटरेक्टिंग विद देयर नॉन लिविंग थिंग्स दे फॉर्म इकोसिस्टम। तो जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनके दरमियान इंटर रिलेशनशिप और उनकी इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ
inter relationship of organisms between among themselves and with their environment is called ecology. आप organisms के दरमियान inter relationship और उनकी environment के साथ relationship इनको study करते हैं वो ecology में आ जाएगा. तो ये एक major branch है. इसमें environment और behavior by वो environment कैसे असर अंदाज होती है एक ऑर्गेनिज्म पे और ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट पे क्या असरात होते हैं वगैरह वगैरह इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं. तो ये इकोलॉजी हो गया. अब एम्ब्रियोलॉजी टू इसमें टू वर्ड्स आपको देख सकते हैं नज़र आ रहे हैं एक एम्ब्रियो और लॉजी. तो एम्ब्रियो मीन एम्ब्रियो आपको पता है जो या फर्टिलाइज एग जो है डिवाइड करना चाहिए होता है एक स्टेज होती है जब उसको एम्ब्रियो कहते हैं या वो डेवलपिंग स्टेज में होता है ऑर्गेनिज्म अपनी माँ के पेट में उसको एम्ब्रियो कहते हैं. और लॉजी स्टडी तो एम्ब्रियो की स्टडी को हम लॉजी कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे. तो जितने भी डिवेलपमेंटल चेंजेस होंगी मुख्तलिफ गेस्ट्रेशन पीरियड होते हैं जिसके बाद एक ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाता है मदर यूट्रस में और उसके बाद वो बर्थ बर्थ दी जाती है उसको या एग ले होता है. तो जो भी जितनी भी डिवेलपमेंटल चेंजेस होंगी डिवेलपमेंट होगी विद इन द यूट्रस तो उसकी स्टडी को हम और बर्थ तक उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे. इंग्लिश में आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ डिवेलपमेंटल चेंजेस दैट अकर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू गिवन बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म और लेइंग एग. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनने के बाद जो डिवेलपमेंटल चेंजेस होंगी वहाँ से लेकर एंड तक जब तक वो ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं दी जाती या उसको अंडा नहीं दिया जाता एग नहीं होता तब तक शुरू से लेकर एम्ब्रियोस की डिवेलपमेंट एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म की डिवेलपमेंट तक जो स्टडी हम डिवेलपमेंटल चेंजेस आएंगे इसको स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा एम्ब्रियोलॉजी. आगे नेक्स्ट है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी है हम मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं ऑर्गेनिज्म से एक होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर फंक्शन होगा वो कैसे फंक्शन करते हैं फिजिकल हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन होते हैं उनको जब हम स्टडी करेंगे तो उसको फिजियोलॉजी कहा जाएगा. द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. के मसलन एक ऑर्गन है हमारा स्टमक उसकी कैसी फंक्शन है वो कैसे फंक्शन करेगा क्या फैक्टर्स आते हैं तो वो ये सारी स्टडी फिजियोलॉजी के कहलाएगी. लीफ लीफ का कैसे फंक्शन करता है उसकी सारी फंक्शनिंग जो हम पढ़ेंगे उस ये भी फिजियोलॉजी कहलाएगी. तो द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ पार्ट और ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. तो नेक्स्ट वन है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फ का मीनिंग होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर और लॉजी मीन्स स्टडी. तो द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. इसमें टू आगे मेजर ब्रांचेज आ जाती हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी जिसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाहरी मॉर्फोलॉजी क्या है बॉडी की शेप फॉर्म क्या है कैसे स्ट्रक्चर है और हाथ पांव मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके गाय की देख लें हम चार टांगे वगैरह और आँख नाक जो भी है तो
एक्सटर्नल हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का रहेगा, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी मतलब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स होंगी वो हम डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उनकी उनका स्ट्रक्चर क्या है, अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स और स्केल्टन का स्ट्रक्चर, जो ये सारा हम स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट्स की डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एटोनॉमी होगी। तो द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, या स्टडी ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, जिसको हम जो पहले ऑर्गेनिजम्स मर चुके थे और वो ज़मीन में दब गए तो उनके फॉसिल्स बन जाते हैं, डेड रिमेन्स बन जाते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स के, एनिमल्स के, डायनासोर्स को, जैसे हमने और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि डायनासोर्स भी अर्थ पे पहले बसते थे लेकिन फिर किसी वजह से वो उनकी नस्ल तबाह हो गई, तो वो ज़मीन के नीचे दब गया, उनकी हड्डियाँ दब गईं, तो उनकी हड्डियाँ फॉसिल्स में चेंज हो गईं। तो हम जब वो फॉसिल्स निकाल के उनको स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है भाई इनकी एग्जिस्टेंस थी। तो ये स्टाइस जो स्टडी है फॉसिल्स की, इसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट वन हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टिश्यूज मुख्तलिफ को स्टडी करेंगे, चाहे वो प्लांट टिश्यूज हों या एनिमल टिश्यूज हों, उनको जब स्टडी करेंगे, मस्कुलर टिश्यू को हम स्टडी करते हैं या प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम स्टडी करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब ये हम ये स्टडी करेंगे तो इसको हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हम कहते हैं कि ये भी एक फिनोमेना पेश किया था डार्विन ने कि स्पीशीज़ जो है एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से मिलियंस ऑफ टाइम ईयर लगते हैं के बाद जो है इवॉल्व होती है, एक स्पीशी दूसरे से इवॉल्व होती है, एक स्पीशी दूसरे से लिंक्ड है, और इनका जो एंसेस्ट्रल पहला जानदार था वो इनका बाबाजाद जो है सेम है स्पीशीज़ के। तो डार्विन ने ये थ्योरी पेश की थी। तो इवोल्यूशन जब हम इसको स्टडी करते हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस को, इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, तो उसको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। या हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस दैट अकर इन स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यूरिंग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, ड्यूरिंग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इज कॉल्ड इवोल्यूशन। के जो ग्रेजुअल चेंजेस अक्कर होती रही हैं स्पीशीज में और एक नई स्पीशीज बनने तक, उनकी जो चेंजेस हम पढ़ेंगे वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होगी। और ये बायो जो इवोल्यूशन की थ्योरी इसने पेश की थी, ये थ्योरी है, ये ला नहीं बन सका क्योंकि मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी भी नहीं दे सकते, और ये इसको फैक्ट नहीं बनाया जा सकता कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज से इन्वॉल्व हुई है। तो इसके मुतबादल एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वो पेश की गई कि हर स्पीशी को अपनी फॉर्म में कुछ ईयर मिलियन ईयर वो पहले उसको क्रिएट किया गया और वो मर्ज वजूद में आई। आगे नेक्स्ट है जू जियोग्राफी,
zoom in, animals, geo, earth, graphy, view या distribution graph में. तो the distribution of animals in nature in different earth regions is called zoo geography. तो animals की distribution हम earth पे पढ़ेंगे जब पढ़ते हैं भाई इतने region इस region में इस एनिमल की पॉपुलेशन इतनी है इन एनिमल्स की इतनी पॉपुलेशन है फलां फलां रीजन में लाइफ ज़्यादा है एनिमल्स की वैरायटी ज़्यादा है फलां पे कम है मुख्तलिफ हम रीजन्स पढ़ते हैं तो इस स्टडी को ज़ू जियोग्राफी कहा जाता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर कि मुख्तलिफ आर्थ के रीजन्स में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इस रीजन में कितनी एनिमल्स की पॉपुलेशन है कितनी वैरायटी है और इस अर्थ के रीजन में इतनी एनिमल्स की पॉपुलेशन और वैरायटी है. नेक्स्ट वन माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल. जब हम एक ऑर्गेनिज्म को सेल को उसकी सेल को या ऑर्गेनेली को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे उनकी उसकी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री देखेंगे कि वो किस मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं और उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है. तो जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर उनकी स्टडी करेंगे ऑर्गेनेली की सेल की ऑर्गेनिज्म की तो इसको इस ब्रांच ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ब्रांच में आएगा. आगे आगे आप पैरासाइटोलॉजी ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पैरासाइट और लॉजी से बने हैं तो पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं. दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट द स्ट्रक्चर मोड ऑफ ट्रांसमिशन लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट इंटर रिलेशनशिप्स आर स्टडीड इन पैरासाइटोलॉजी. के बायोलॉजी की वो ब्रांच जो पैरासाइट की स्टडी करे उसकी उसका स्ट्रक्चर उसका वो कैसे पैरासाइट अपने होस्ट में ट्रांसफ़र होता है और उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी जाए कि वो किस किस में पहले होस्ट में कब था या वेक्टर में आया होस्ट में आया फिर ये सारी उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी जाए और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप पढ़ा जाए. मतलब होस्ट और जब वो एंटर हो जाएगा होस्ट में तो वो क्या असरात डालेगा क्या लेगा होस्ट से फूड लेगा इंटर्न उसको क्या देगा डिसीज कौन सी देगा वगैरह वगैरह. तो ये होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप ये भी हम स्टडी करेंगे. ये सारा जो इस ब्रांच में आ जाता है पैरासाइटोलॉजी में बाई द स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड इट्स स्ट्रक्चर मोड ऑफ ट्रांसमिशन लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप. ये सारी स्टडी हम ये सारी स्टडी पैरासाइटोलॉजी को लाती है. आगे आगे बायोटेक्नोलॉजी ये एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है और ये आजकल बहुत इसके एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी बायो ये दो लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं बायो लाइफ टेक्नोलॉजी मतलब जो लाइफ से हम टेक्नोलॉजी या लिविंग थिंग्स से हम टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे फ़ायदा हासिल करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा. तो इसको हम कह सकते हैं इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. के जब बायोटेक्नोलॉजी में क्या है हम डील करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और लिविंग सिस्टम्स को या लिविंग प्रोसेसेस को यूज़ करके हम कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेते हैं या इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस पे कोई हम कमर्शियल इम्पोर्टेंस या कमर्शियली हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं इनसे ताकि फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इंसानियत की भलाई के लिए.
जो भी हम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टम्स को और प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे या प्रोडक्शन करेंगे और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हुए रिमूव करेंगे, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की आपको मैं एग्जांपल दे दूँ कि ये जो हम इंसुलिन बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी है। और मैं काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मतलब जो इंसुलिन हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको यूज़ करते हम प्रोडक्ट बनाते हैं अपना इंसुलिन, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की ही एप्लीकेशन है। आगे नेक्स्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन मतलब इंसान, बायोलॉजी लाइफ की स्टडी, इंसान की लाइफ की स्टडी। तो इसमें मुख्तलिफ एसेप्ट्स, मुख्तलिफ तमाम पहलू जो हैं, पहलू से हम इंसान की स्टडी जो करेंगे उसको ह्यूमन बायोलॉजी कहा जाएगा। इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एटोनमी, मॉर्फोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये हम ऊपर जो भी स्टडी पढ़ चुके हैं, ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, इन सब स्टडीज़ मुख्तलिफ पहलुओं से स्टडी हम करेंगे, हर पहलू से इसकी ह्यूमन की स्टडी करेंगे, तो ये ह्यूमन बायोलॉजी में ब्रांच में आ जाएगा। तो सेल बायोलॉजी, इसमें एक वर्ड मैंने यूज़ किया, तो सेल बायोलॉजी जो सेल की स्टडी होगी उसको हम सेल बायोलॉजी कहेंगे, उसकी डिवेलपमेंट, उसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो है, फंक्शन जो है, उसको जो हम करेंगे सेल का, सेल को जब स्टडी करेंगे तो वो सेल बायोलॉजी कहलाएगा। तो हर पहलू से जब हम ह्यूमन को स्टडी करेंगे तो ये ह्यूमन बायोलॉजी कहलाएगा। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, जैसे सोशल बायोलॉजी, के एक ऑर्गेनिज्म का कैसा बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर कैसा है, उसकी कम्यूनल लाइफ कैसी है, कम्युनिटी में वो कैसे रहते हैं, तो इसको, इसकी स्टडी को, ये स्टडी जो होगी सोशल बायोलॉजी ब्रांच में आएगी। दिस इज़ द, इंग्लिश में आपको डेफिनेशन बताऊँ, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सोशल बायोलॉजी की इंग्लिश में डेफिनेशन होगी। इसके अलावा फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी, मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी जो हम फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स वगैरह में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जो उनकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करेंगे तो ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आ जाएगा। इसी तरह मैराइन बायोलॉजी, जब हम जो भी ऑर्गेनिजम्स मैराइन सी ओशन में रहते हैं उनकी स्टडी, लाइफ स्टडी को, और उनके जो असरात होते हैं ओशन के, मुख्तलिफ फैक्टर्स जो ओशन के होते हैं, इन्वायरमेंट उसके असरात होते हैं, उसकी स्टडी को हम मैराइन बायोलॉजी में ले लेंगे। तो ये कुछ थी बायोलॉजी की ब्रांचेस जिनको आज हमने स्टडी किया। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। आई होप आपको मदद मिली होगी एंड इंशाल्लाह आगे भी हम लेक्चर अपलोड करते रहेंगे और आपको बहुत इस्तफादा होगा। तो एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस हमारी लाइक करें, शेयर करें, खुद भी नॉलेज हासिल करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहें।